हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, यहां पर आज मैं आपको बताने आया हूं कि मैं आपके लिए पूरा YouTube कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसमें करीब 15 से 16 वीडियो होंगे। तो हाँ, आप घर पे बैठे बैठे पूरा का पूरा YouTube आप सीख सकते हैं, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं कि एक चैनल बनता कैसे है, चैनल को कैसे बनाया जाता है, ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। चैनल बनेगा कैसे, चैनल का लोगो कैसे बनेगा, चैनल का बैनर कैसे बनेगा, चैनल को वेरीफाई कैसे किया जाता है यूट्यूब से। जी हाँ, अगर आप चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप 15 मिनट से अधिक की वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं और आगे आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब चैनल बनाया जाता है तो उसे वेरीफाई भी किया जाता है। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपने आने वाले वीडियोज़ में कि कैसे आप चैनल को वेरीफाई करेंगे। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, टैग कैसे लिखते हैं, थंबनेल का क्या रोल है, सब कुछ मैं काफी डिटेल में बताने वाला हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा। आपको सब कुछ मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, करके आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। अब आप जानना चाहेंगे कि मैं क्या क्या इस 15 से 16 वीडियो में क्या क्या चीजें रहेंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप को कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं पूरा यूट्यूब के कोर्स में क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट आपको कहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो आप देख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको चैनल बनाना कैसे है, चैनल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्या चाहिए होता है, लोगो कैसे बनता है, लोगो अपलोड कैसे होता है, चैनल का बैनर कैसे बनता है, वो अपलोड कैसे होता है, वो भी चीज़ें हो गई। फिर आप अपने चैनल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या आपका खुद का वेबसाइट है, वो आप अपने यूट्यूब अकाउंट से ऐड कैसे कर सकते हैं, कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, लिंक कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अबाउट अस में जाके आप अपने चैनल के बारे में कैसे लिख सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने ये कई जगह पर सुना होगा कि वीडियो अपलोड करते टाइम पे उसमें कीवर्ड डाला जाता है ताकि वीडियो रैंक करे, बिल्कुल सही। लेकिन ये आपने बहुत कम जगह सुना होगा या शायद सुना भी ना हो कि चैनल में भी कीवर्ड डाला जाता है ताकि चैनल आपका रैंक करे। देखिए, जब चैनल रैंक करेगा तो वीडियो ऑटोमेटिक रैंक करने लगेगा, क्योंकि जब चैनल रैंक करेगा तो आपके जितने भी वीडियोज हैं वो सबको देखेगा ही देखेगा, लोग पब्लिक देखेंगे उसे, तो यूट्यूब भी उसका प्रमोट करता है। तो वीडियो का कीवर्ड तो डालना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने चैनल का भी कीवर्ड डाल देते हैं जाके अंदर सेटिंग्स में, तो आपका चैनल भी रैंक में आने लगता है, तो आपका चैनल भी वायरल हो जाता है। तो ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको चैनल कैसे, चैनल के अंदर जाके आपको कीवर्ड डालना है, कौन सा कीवर्ड डालना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस कैटेगरी का चैनल है, किस कैटेगरी का चैनल नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर हाँ, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर आप जाइए, पेज पर मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर आप सीधे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स का मैं आंसर दूंगा। और अभी मैं बात कर रहा था कि यूट्यूब में क्या चीजें मैं बताने वाला हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बता दूं, यूट्यूब का जो आपके वीडियो देखने आते हैं यूट्यूब पे यानी कि जो आपके व्यूवर्स हो गए, उनको आप दोबारा कैसे रीमार्केट कर सकते हैं, यानी कि जो एक बार देख के गया उसे आप दोबारा कैसे अपनी वीडियो दिखा सकते हैं। देखिए, एक नॉन बंदा है उसको तो आप दिखा सकते हैं, उसको आपने शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो देख लेगा। लेकिन एक अननोन आपकी वीडियो को देखा उसके बाद दोबारा आपको कैसे उसे दिखाना है, अगर आपका उसने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तब भी आप दिखा सकते हैं कैसे, ये भी मैं आने वाले वीडियोज में आपको बताने वाला हूं। तो अब मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि मैं क्या करने वाला हूं, वो मैं आपको बता रहा था। आपको कंप्लीट पूरा डिटेल चाहिए कि मैं क्या क्या यूट्यूब में कवर करने जा रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ जाएगा, आप वहां पर मुझे फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा कि क्या क्या मॉडल मैं यहां पर कवर करने वाला हूं यूट्यूब में। तो दोस्तों, यूट्यूब के बारे में आप अधिक जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और अधिक से अधिक शेयर करना होगा। बाकी कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछिए। अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिसमें बेसिक मैं बताऊंगा कि कैसे चैनल बनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।